सो हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज के सेशन में हम आपके लिए कुछ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो फाइनल एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए तहलका मचा सकते हैं यानी ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जिनको प्रिपेयर करने के बाद आपको पूरी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्री बोर्ड में और फाइनल एग्जाम में टर्म टू के फाइनल एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं और सच मानो अगर आपने इन क्वेश्चंस को शिद्दत के साथ प्रिपेयर कर लिया ना तो फाइनल एग्जाम में आपके नाइन्टी फाइव परसेंट मार्क्स चैप्टर वाइज कितने नंबर के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे लेकिन भाई लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल जाए कि हमें कौन से 22 क्वेश्चंस मस्ट प्रिपेयर करने ही करने हैं ताकि 95 परसेंट मार्क्स का टारगेट जो है वो आपके फ्रेंड्स भी अचीव कर सके सो so, एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि टोटल 12 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और हम सिर्फ आपके लिए 22 क्वेश्चंस लेकर आए हैं यानी अगर आप ये 22 क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो तो इसमें हर कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद आपको पूरी बुक प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो so, चलिए सबसे पहले आपको सिलेबस तो पता ही होगा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आएगा और पार्ट बी में कॉमन साइज कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको किस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टेन मार्क्स कैरी करते हैं और इसमें तीन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गारंटीड है दो नंबर का एक क्वेश्चन तीन नंबर का एक क्वेश्चन पांच नंबर का एक क्वेश्चन टॉपिक कौन कौन सा है पहले वो नोट डाउन कर लीजिए फिर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो नोट डाउन कर लीजिए अगर टू मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो कंज्यूमेबल आइटम्स जिसमें स्टेशनरी कंज्यूम्ड क्विपमेंट कंज्यूम्ड मेडिसिन कंज्यूम्ड स्पोर्ट्स मेटीरियल कंज्यूम्ड ये सब तरह के टॉपिक्स कवर होते हैं थ्री मार्क्स के लिए कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन जिसमें सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन द बिगनिंग एट द एंड आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग वो सब दिया होता है और पांच नंबर के लिए आपका जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करने का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एटलीस्ट थ्री एडजस्टमेंट्स दी होंगी तो ये तीन टॉपिक्स आपने एनपीओ में से अच्छे से प्रिपेयर करने हैं अगर हम बात करें सबसे पहले टू मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैंने अभी बताया कंज्यूमेबल आइटम में स्टेशनरी कंज्यूम्ड मेडिसिन कंज्यूम्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमेबल आइटम में ये दो मार्क्स के लिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग क्रेडिटर्स एट एंड एडवांस इन बिगनिंग एडवांस एट एंड ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा और साथ में अमाउंट पेड ड्यूरिंग ईयर गिवन होगा आप देख सकते हो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2006-7 वाज 16,750 तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाना है जिसमें अमाउंट पेड के बारे में लिखा हो और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस उनकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और कमिटमेंट के साथ ये ट्वेंटी टू आपने प्रिपेयर करने हैं जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कंज्यूमेबल आइटम में से ही पूछा जा सकता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको क्रेडिटर्स इन क्रेडिटर्स एट दी एंड जैसे में दिया हुआ था, लेकिन एक चीज चेंज कर देंगे और वो है अमाउंट पेड की जगह परचेज मेड ड्यूरिंग दर आपको दिया होगा और दोनों क्वेश्चन देखने में आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है सो so, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हो तो कंज्यूमेबल आइटम्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये दो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं आपके दो नंबर पक्के आगे बढ़ते हैं एनपीओ का अगला क्वेश्चन जो तीन नंबर के लिए पूछा जा सकता है वो है सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अब इसमें अगर एग्जामिनर इजी आपका एग्जाम पैटर्न सेट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन पूछेगा एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉर्मल क्वेश्चन लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा तो यही तीन नंबर वाला क्वेश्चन आपको अलग ढंग से पूछा जाएगा जिसमें आपको मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला जाएगा जैसे हो सकता है आपको सारी वैल्यूज दी हो लेकिन कोई एक वैल्यू मिसिंग हो जैसे आउटस्टैंडिंग एट नहीं दिया हुआ वो आपने कैलकुलेट करना है या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर ये मिसिंग हो आपको ये कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है सो so, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कितने मेंबर्स हैं ईच मेंबर कितनी पेमेंट कर रहा है कितने मेंबर्स एडवांस दे चुके हैं कितने मेंबर्स ने अभी तक पेमेंट नहीं की आउटस्टैंडिंग वो सब आपको दिया होगा और क्या कैलकुलेट करने को बोला जाएगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल बी डेबिटेड टू पेमेंट अकाउंट यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे रखा क्वेश्चन में वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सो तीन नंबर इन दो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के बाद आपके पक्के हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं एनपीओ का पांच नंबर का क्वेश्चन कैसा आ सकता है मैंने अभी बताया एनपीओ का जो पांच नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन बनाने को कहा जाएगा अब अगर हम बात करें एडिशनल इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कौन सी इंपॉर्टेंट है नंबर वन ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स प्राइज फंड टूर्नामेंट फंड विलियन फंड कैपिटल फंड इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा सेकेंड सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग आपको दिया होगा थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्रूड इनकम या फिर डोनेशन ऑनरेरियम लिगेसी लाइफ मेंबरशिप फीस तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स हैं तो तीन एडजस्टमेंट से ज्यादा आपको नहीं आएंगे अगर आप ये पांच नंबर अपने पक्के करना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और इसको ट्राई जरूर करिएगा इन क्वेश्चंस को सिर्फ देखिएगा नहीं 22 क्वेश्चंस आपको ट्राई भी करने हैं इसलिए हम ये स्क्रीन पर लेकर आए हैं क्वेश्चन आप देख सकते हो हमने यहां पर मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स लिखी हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लेकिन एग्जाम में आपको सेवन एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी तीन आएंगी तो ये एडजस्टमेंट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इन्हीं में में से आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना होगा और साथ में हो सकता है तो इनको प्रिपेयर जरूर करना है आपने आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पार्टनरशिप की पार्टनरशिप में आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो चार आएंगे दो नंबर वाले दो क्वेश्चन देन थ्री नंबर वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा और पांच नंबर वाला भी आपके लिए एक क्वेश्चन आ जाएगा यानी टोटल ट्वेल्व मार्क्स और इसमें रिटायरमेंट है और डिसोल्यूशन है अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो आएगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में से जो कि प्रैक्टिकल होगा जिसमें न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने को बोला जाएगा तो ये वाले क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं सेकेंड नंबर एक और क्वेश्चन आएगा वो भी दो नंबर का ही होगा लेकिन वो थ्यूरी होगा जैसे डिजोल्यूशन क्या होता है ऑफ पार्टनरशिप से क्या समझते हो ऑब्जेक्टिव क्या है मोड्स ऑफ डिजोल्यूशन क्या है लाइक like दैट तीन नंबर का क्वेश्चन ये डिजोल्यूशन में से ही आएगा जहां पर आपको जर्नल एंट्रीज पास करने को कहा जाएगा रिगार्डिंग दी रियलाइजेशन और पांच नंबर का एक क्वेश्चन जिसमें चॉइस होगी रिटायरमेंट और रिजोल्यूशन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन ट्राई करना है और हम कहेंगे कि आपको जो चैप्टर इजी लगता है आप उसका क्वेश्चन ट्राई करिए एग्जाम में चलिए अब हम बात करते हैं कि, कि किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है मैंने 22 क्वेश्चंस बताए ना तो उन्हीं में से अगला क्वेश्चन हमारे पास है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में दो नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें न्यू रेशो गेनिंग रेशो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने को बोला जाएगा पहला क्वेश्चन वो होगा जिसमें रिटायरिंग पार्टनर अपना कितना शेयर कौन से पार्टनर को सेक्रीफाइस करके जा रहा है ऐसा क्वेश्चन और सच मानो आसान क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so, क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं के एल और जेड पार्टनर हैं फोर थ्री टू में शेयर कर रहे हैं एल रिटायर हो रहा है और एल अपना शेयर सरेंडर कर रहा है कितना किसको कर रहा है इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है दो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हो सकता है कि रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर सेल करके जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर को जैसे क्वेश्चन आपके सामने है एक्स जेड पार्टनर है फोर थ्री वन में शेयर कर रहे हैं वाई रिटायर हो रहा है और वो अपना शेयर एक्स और जेड को बेचकर जा रहा है सेवेंटी टू थाउजेंड का बेचकर जा रहा है इस केस में आपको न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइजिंग भी गेनिंग भी प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें न्यू रेशियो पहले से ही दी होगी आपको गेनिंग या फिर सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करने को बोला जाएगा जैसे ए वी और सी पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है Old भी और रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू तो में आपको gaining ratio calculate करने को बोला जाएगा, तो ये तीन questions solve कर लो अपनी rough copies में, आपके दो यहां पर भी पक्के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दो नंबर वाला एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और वो थ्योरी ही होगा डिसोल्यूशन में से आएगा जैसे डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है Dissolution के रीजन फॉर डिसोल्यूशन और सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड ऑफ पार्टनरशिप दोनों के बीच में डिफरेंस सो ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस थ्योरी प्रिपेयर करके आगे बढ़ते हैं बात करते हैं थ्री मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भाई अगर आपको ये तीन नंबर पक्के करने हैं तो आपको डिजोल्यूशन के चैप्टर में से जर्नल एंट्रीज अच्छे से सीखनी पड़ेगी कैसे जर्नल एंट्रीज बियरिंग ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसिस बाय पार्टनर कई बार पार्टनर को हायर किया जाता है और कहा जाता है फर्म के द्वारा कि हम आपको सैलरी देंगे, देंगे और आप रियलाइजेशन के एक्सपेंसिस बियर करिएगा तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसिस के रिगार्डिंग एक एंट्री आपसे जरूर पूछी जाएगी इसको जरूर प्रिपेयर करना और पोर्शन ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर रिमेनिंग एसेट्स सोल्ड इन दी मार्केट कई बार क्या होता है रियलाइजेशन के टाइम पर एसेट का कुछ पोर्शन पार्टनर ले जाता है और कुछ पोर्शन मार्केट में रियलाइज हो जाता है तो इसके रिगार्डिंग भी आपको जनरल एंट्री पूछी जाएगी थर्ड टाइप ऑफ जनरल एंट्री सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज फॉर एसेट्स कई बार लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए हम एसे को यूज कर लेते हैं तो आपको पता है उसके एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती तो उसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और चौथी और आखिरी एंट्री पार्टनर्स वाइफ लोन सेटल बाय पेइंग टू पार्टनर कई बार पार्टनर की वाइफ ने फर्म को लोन दिया होता है और उसकी सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन की जाती है पार्टनर को पैसा दे दिया जाता है उसकी एंट्री भी पूछी जा सकती है सो so, ये सब एंट्रीज आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है अभी फिलहाल हम आपको वो क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं जो आपने प्रिपेयर करना है सो so, क्वेश्चन आपके सामने है टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंट्रीज हमने दी हैं ये सिक्स एंट्रीज आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो रिजोल्यूशन में से ही है रिगार्डिंग दी एक्सपेंसेस इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो जरूरत नहीं पड़ेगी और भी कोई क्वेश्चन ट्राई करने की सो so, तीन नंबर आपके पक्के हो जाएंगे ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पांच नंबर के क्वेश्चन की इसमें आपको पता है चॉइस आएगी या तो आपको रिटायरमेंट का क्वेश्चन अटेंड करना है एग्जाम में या फिर का आपको जो चैप्टर आसान लगता है जो चैप्टर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है एग्जाम में वो क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा अगर हम बात करें रिटायरमेंट के पांच नंबर वाले क्वेश्चन में तो उसमें आपको रिवैलुएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों पूछे जाएंगे लेकिन चांसेस हैं कि रिवैल्युएशन और पार्टनर पूछा जाए शायद बैलेंस शीट बनाने को ना कहा जाए क्योंकि पांच नंबर का क्वेश्चन है पहले ये क्वेश्चन आठ आठ नंबर के आते थे जब टर्म वन और टर्म टू के अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं होते थे सो so, पांच नंबर इसलिए हो सकता है बैलेंस शीट ना पूछी जाए लेकिन आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है इसमें आपको ट्रीटमेंट भी पूछे जाएंगे जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टे फंड इंक्लूड किए जाते हैं वर्कमैन तो फंड करके जाना अगर हम बात करें डिजोल्यूशन आपको अच्छे से आता है तो डिजोल्यूशन के केस में भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट प्रिपेयर करने को पूछा जाएगा क्योंकि पांच नंबर का क्वेश्चन है इसलिए हो सकता है कि कैश अकाउंट प्रिपेयर करने को ना बोला जाए लेकिन अभी फिलहाल आपने वो प्रिपेयर करना है विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन आएगा पांच नंबर का है एडजस्टमेंट किसके रिगार्डिंग आएगी वो मैंने अभी बता दी थी फिर भी एक बार देख लो डिफरेंट डिफरेंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपोजिशन फंड आपको हर बार कंफ्यूज करता है इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है या नहीं होता है पार्टनर्स के वाइफ का लोन ट्रांसफर होता है या नहीं होता है

फाइव एडजस्टमेंट दे रखी है जिसमें गुडविल की ट्रीटमेंट भी आ गई वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट फंड को वो भी इंक्लूडेड है तो अगर ये पांच एडजस्टमेंट्स आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है जो कि लॉस होता है वेरी इंपॉर्टेंट

बिल रिसीवेबल की सेटलमेंट और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस सभी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं तो ये क्वेश्चन कर लो आपके पांच नंबर यहां पर भी पक्के हो जाएंगे इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको अभी फिलहाल प्रिपेयर करने की जरूरत सच में नहीं है ऐसे ही अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर इसमें एट मार्क्स आपके पक्के करने के लिए हम चार पांच क्वेश्चन लेकर आए तीन नंबर के लिए आपको जो क्वेश्चन आएगा वो है स फॉर अदर देन कैश एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और चुके हैं लिंक अगले डिस्क्रिप्शन में गिवेन है तो जरूर एक बार स्टडी कर लीजिएगा चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तीन नंबर के क्वेश्चन के लिए तीन नंबर के क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर अदर देन कैश आपको पता है कई बार डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं कैश के बदले में नहीं जैसे प्रमोटर को डिवेंचर इशू कर दिए अंडर राइटर्स को इशू कर दिए फॉर दर्चेज ऑफ एसेट फॉर द परेज ऑफ रनिंग बिजनेस इसमें से ये हमने ये येलो किया है ना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इनके आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हमने मेंशन जरूर कर दिया है तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं इन दोनों टॉपिक्स के लिए एक एक क्वेश्चन जो हमारी तरफ से आपको प्रिपेयर करना है वो है दिस वन जहां पर डिबेंचर इशू किए जाते हैं फॉर दर्चेज ऑफ एसेट डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एट पार एट प्रीमियम यहां पर इक्विटी शेयर लिखा है आप इसको हटा सकते हैं क्योंकि अब इक्विटी शेयर आपके सिलेबस में नहीं है टर्म टू के लिए सो यहां पर बाय इशुंग टेन थाउजेंड तो एक तो आपको यह क्वेश्चन प्रिपेयर करना है दूसरा आपको प्रिपेयर करना है जहां पर एक रनिंग बिजनेस परचेज किया गया है सो so, राघव लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस परचेज किया है कृष्णा ट्रेडर्स का जिसमें परचेज कंसिडरेशन भी है डिवेंचर भी इशू किए जा रहे हैं कुछ पेमेंट चेक के थ्रू की गई है और कुछ पेमेंट पेमेंटर्स को इशू करने के दौरान की गई है एंट्री पास है ऐसे ही नंबर के लिए जो आपको सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, वो है इशू ऑफ डिवेंचर एज अ सिक्योरिटी और कोलिटरल सिक्योरिटी आपको पता है जो कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर जब हम डिवेंचर इशू करते हैं यहां पर आपको दो तरह के

तीन नंबर के लिए ये तीन क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं आपके तीन नंबर पक्के हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फाइव मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया इशू ऑफ डिचर में पांच नंबर का क्वेश्चन आपको कहां से आएगा जहां पर आप अपने डिवेंचर इश्यू कर रहे हो पार पर डिस्काउंट पर या प्रीमियम पर लेकिन विद द टर्म्स ऑफ रिडेमशन इशूड एट पार रिडीम एट पार रिडीम एट प्रीमियम इशूड एट डिस्काउंट redeemable at par, redeemable at premium. Issued at premium, redeemable at par, redeemable at premium. Redeemable at discount नहीं होते इसलिए वो offer ही नहीं है So total six cases हैं और आपको ये छह के छह cases prepare करने हैं सर कोई तीन चार केसेस नहीं कर सकते नहीं आपको छे के छे करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में कोई भी तीन आ सकते हैं कोई भी चार आ सकते हैं सो so, आपके लिए ये एक क्वेश्चन हम लेकर आए इसको प्रिपेयर कर लीजिए आपके पांच नंबर पक्के हो जाएंगे जहां पर इशू किए गए पार पर रिडीम किए गए डिस्काउंट पर वो सारी कंडीशंस यहां पर लिखी हुई है और इसके साथ साथ एक एडिशनल क्वेश्चन आपको ये भी प्रिपेयर करना है सेम वही है वही कंडीशन विद टर्म ऑफ रिडेमशन तो ये दो क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए पांच नंबर यहां पर भी आपके आसानी से पक्के हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो कि पार्ट बी है इसमें सबसे पहले तो आपको तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा और वो तीन नंबर का क्वेश्चन कंपेरेटिव स्टेटमेंट या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट में से आ सकता है तो इसके लिए हम दो क्वेश्चन लेकर आए हैं आप ये दो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो आपके तीन नंबर ये भी पक्के हो जाएंगे सबसे पहले कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ेगी आपको पता है कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम बहुत सारी हेडिंग्स चाहिए होती हैं लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आसान क्वेश्चन ना आए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया जिसमें आपको नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी पड़े तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाओ तीन नंबर पक्के हो जाएंगे नहीं आता क्वेश्चन तो सीख लो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी गिवन है ऐसे ही नेक्स्ट जो आपको एक और क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो है कॉमन साइज बैलेंस शीट कॉमन साइज बैलेंस शीट आसान है बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पहले से बना हुआ आएगा साथ में आपको बस दो कॉलम्स प्रिपेयर करने कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए तो यहां पर भी आपके तीन नंबर पक्के हो जाएंगे ये दो क्वेश्चन कर लो तीन नंबर यहां पर भी पक्के अब बात करते हैं लास्ट दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें दो क्वेश्चन आएंगे आप एक दो नंबर वाला और एक पांच नंबर वाला दो नंबर वाला क्वेश्चन थ्योरी होगा जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटीज एक्टिविटीज होती हैं ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के दो या फिर आपको कुछ एग्जाम्पल दी हो सकती हैं एग्जाम्पल्स दी होंगी और आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा कि बताओ कौन सी ऑपरेटिंग है कौन सी इन्वेस्टिंग है और कौन सी फाइनेंसिंग है तो ये थ्योरी क्वेश्चन है पांच नंबर का एक क्वेश्चन आपको आएगा जिसमें मैक्सिमम थ्री आपको आ सकती है और वो एडजस्टमेंट होंगी प्रोपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स डेट ऑफ इशू एंड ऑफ एंड यानी कब शेयर किए गए हैं या रिडीम किए गए हैं कब डिवेंचर्स इशू किए गए हैं कब रिडीम किए गए हैं इंटरम डिविडेंड कितना है परसेंटेज कितना है लाइक like दैट और लास्ट परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स विद डेप्रिसिएशन तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से करने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का सर कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करें जिससे पांच नंबर पक्के हो जाए तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में से प्रिपेयर करना है इसमें वो सारी एडजस्टमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं जैसे रिजर्व एंड सरप्लस कितना है सरप्लस का बैलेंस कितना है लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स कितने परसेंट हैं, कब इशू किए गए हैं प्रोविजन फॉर टैक्स इन करंट और प्रीवियस ईयर कितना है मशीनरी एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी है इंटेंजिबल एसेट्स में से गुडविल राइट ऑफ हो रही है हो रही है या क्या हो रही है और विद एडिशनल इंफॉर्मेशन तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है लास्ट में हम यही कहेंगे कि ये सारी स्लाइड्स के जो भी आपने क्वेश्चंस देखे इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा अगर कोई टॉपिक नहीं आता तो टॉपिक देख लीजिएगा सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा सॉल्व करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम पर सॉल्यूशन चेक करने के लिए जरूर आइएगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये क्वेश्चन 22। 22 बस क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के बाद आपको और कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी so, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ऑल द वेरी बेस्ट है